गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो आज भी हम सीक्वेंस सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने एस इन्फिनिटी देखा जीपी का. दैट आई बिलीव ऑल ऑफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला एस इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी विच इज ए अपॉन वन माइनस आर, वेर आर इज लेस देन वन. कॉमन रेशियो क्या होनी चाहिए? लेस देन वन. और ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विच इज फ्लोइंग टिल इन्फिनिटी, जो एस इन्फिनिटी की ओर फ्लो हो रही है उसका फर्स्ट टर्म हमारा ए है. आर इज कॉमन रेशियो. ठीक है, इस पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने पहले चेक करना था क्या एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगी. अगर होगी तो एस इन्फिनिटी उसका क्या होगा. सो एक सम वो भी ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर वन का आई बिलीव दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन. इट इज योर एक्सरसाइज 2.3, करेक्ट. क्वेश्चन इट इज 9, 8.1, देन 7.29 एंड सो ऑन, इट गोज टिल इन्फिनिटी, करेक्ट. तो अपने को क्या चाहिए, इसको प्रूफ करना है पहले कि क्या ये एस इन्फिनिटी जीपी में है, एस इन्फिनिटी इसका एग्जिस्ट होगा. तो पहले आप इसके लिए क्या चेक करेंगे, कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, 8.1 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड, करेक्ट. तो हम देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है. यस, 0.9 ये आ रहा है और इसको भी डिवाइड करोगे आप तो ये 0.9 आएगा, विच मीन्स आर इज 0.9 विच इज लेस देन 1. सो इसको हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट, करेक्ट. एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि 0.9 जो है वो लेस देन 1 है. तो अब एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे हमारे पास ए क्या है डियर, ए इज 9, करेक्ट. सो ए अपॉन 1 माइनस आर, ए इज 9, 1 माइनस 0.9, सो दिस इज नथिंग बट 9 अपॉन 0.1. सो ये एट द एंड क्या आ जाएगा, 90. सो 90 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ का. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.3 में हमें ये बताना था क्वेश्चन 1 में कि क्या सीक्वेंस एस इन्फिनिटी की ओर जो जा रही है क्या वो एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी. तो हमने पहले कॉमन रेशियो निकाला विच केम 0.9, वो लेस देन 1 है. और फर्स्ट टर्म क्या है डियर, दिस इज 1, ए इक्वल्स टू 9, 9 फर्स्ट टर्म है. तो हमने एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दिया बिकॉज एस इन्फिनिटी विल एग्जिस्ट, करेक्ट, क्योंकि ये लेस देन आर क्या आ रही है, लेस देन 1. सो एस इन्फिनिटी विल बी ए अपॉन 1 माइनस आर एंड फाइनली वी हैव 90 इज द आंसर. तो हमने ये लास्ट वीडियो में 2-3 सम किए थे जहाँ पे एस इन्फिनिटी वी हैव टू चेक, और इस सम में भी हमने आपको एक बार रिकैप कर दिया कि यहाँ हमने लास्ट वीडियो में ये सम छोड़ा था और यहाँ से मैं स्टार्ट किया. अभी ये फिफ्थ सम था उस क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.3. नाउ वी विल मूव टू एस इन्फिनिटी टॉपिक में एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर, करेक्ट. इसमें हमारे पास कुछ सम्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दी हुई है 0.7 पे ये बार है, ये रिकरिंग कहता है. व्हाट वी कॉल दिस, वी कॉल इट एज ए रिकरिंग. सो 0.7 बार को हमें रैशनल नंबर में प्रोड्यूस करना है. ठीक है, सो लुक एट दिस, 0.7 बार को आप क्या लिखते हैं, 0.7 ये रेकरिंग का साइन है बार,
So this is going to be 0.777. ऐसे लिखते चले जाएंगे आप. This is the meaning. और ये कहाँ तक जाएगा? Till infinity तक. That is the meaning of recurring. 7777 it goes. Now, अब मैं इस 0.777 को जो recurring लिखा है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.7 plus 0.07. Look at this, you will get these two terms plus 0.007 भी लिख सकता हूँ. देखिए आपको ये थर्ड टर्म मिल जाएगा, है ना. ये सारे सेवन है डियर, ऑल आर सेवन इन टॉप. ठीक है. सो एंड सो ऑन इट गोज टिल इन्फिनिटी. से ऐसा लिखने से हमें क्या मिला, ये जो 0.7777 नंबर है, अगर आप इनको ऐड करोगे, लुक एट दिस, फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.77, फिर थर्ड को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.77 एंड सो ऑन इट गोज. तो वाई लुकिंग दिस सीरीज, अब ये जो 0.7 प्लस 0.07 ये दिख रहा है, तो इसका ए हमारा 0.7 है और इसकी कॉमन रेशियो क्या हो जाएगी, डिवाइड कर दोगे सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 और ये क्या आ रहा है, लेस देन 1. तो हम कह सकते हैं ये एस इन्फिनिटी में जीपी है और ये एस इन्फिनिटी की ओर जा रही है. तो इसका सम निकाल लें फॉर्मूला से. वी नो एस इन्फिनिटी विच इज ए अपॉन 1 माइनस आर, वेर आर लेस देन 1. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूं. ए इज 0.7, 1 माइनस आर, आर क्या आइडिया 0.1. सो दिस इज गोइंग टू बी 0.7 अपॉन 0.9, करेक्ट, 0.9, 0.7 यू कैन से. सो फाइनली 7/9. सो इस रेकरिंग नंबर 0.7 रेकरिंग जो है, ये बार जो लिखी हुई है 0.7 बार, को रैशनल नंबर कैसे लिखा आपने, 7/9, करेक्ट. सो रेकरिंग वाले नंबर को आप रैशनल नंबर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एस इन्फिनिटी फॉर्मूला. बिकॉज 0.7777777 को आपने इस तरह से स्प्लिट किया, 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 एंड सो ऑन, ऐसे ऐड होता जाएगा. वाइल लुकिंग दिस सीरीज, ऐसा रियलाइज हुआ कि ये कहाँ आ रहा है, जीपी में आ रहा है. दिस इज कमिंग इन जीपी, ठीक है, जिसका ए फर्स्ट टर्म 0.7 है, कॉमन रेशियो 0.1 है, जो लेस देन 1 है, जो अपने को बता रहा है कि एस इन्फिनिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इट हैज एस इन्फिनिटी विल एग्जिस्ट, एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. एंड देयरफॉर वी हैव यूज द फॉर्मूला एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर. ए इज 0.7, 1 माइनस आर इज 0.1, सो 0.7 अपॉन 0.9 इज इक्वल टू 7/9, करेक्ट. नाउ विल मूव टू आर सेकेंड क्वेश्चन. इसमें ही देखते हैं टू के सेकेंड में क्या दिया है, किसका निकालना है अपने को. दिस यू ट्राई योर सेल्फ, दिस इज अस होमवर्क 2.4 रेकरिंग का, ठीक है, इसका आप खुद से निकालेंगे. दिस इज होमवर्क, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर इज 22/99, 22/9 इट इज, यस, ठीक है. चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड, थर्ड क्वेश्चन इट इज, इस रेकरिंग नंबर को अपने को रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है. 2.35 पे बार दी हुई है, ठीक है, 5 पे रेकरिंग है, करेक्ट. सो आई विल प्रोसीड, लुक एट दिस, आप इसको लिखेंगे क्या, 2.355, ठीक है, 5 एंड सो ऑन, इट विल गो टिल इन्फिनिटी तक जाएगी ये, करेक्ट. उसके बाद डेयर आप इसको ऐसा कर लेंगे 2.3 पे रेकरिंग नहीं है, प्लस यहां से आप आएंगे 5 के लिए, यहां पे आपने क्या ऐड कर दिया, 0.05,
ठीक है, अगर आप ऐसा ऐड करेंगे तो देखो ये 2.3 तक बनेगा प्लस, अब आप ये क्या ऐड कर दें, 0.005, इफ यू ऐड दिस यू विल गेट अप टू हियर, ठीक है, पॉइंट के बाद तीन टर्म मिलेंगे। सिमिलरली 0.0005, ठीक है, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, तो आपको ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे टर्म अप टू इन्फिनिटी तक मिल जाएंगे, ठीक है। अब डेयर यहां पे आप देखो हमें 2.3 एज इट इज एज रखना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो 2.3 विल बी एज इट इज एज, और ये जो सीरीज बन रही है दिस इज फ्लोइंग इन जीपी, वो कैसे, तो इसका ए हमें दिख गया 0.05, इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है डेयर 0.1, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ठीक है, दिस इज 0.1 सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 0.05, फर्स्ट टर्म इट इज 0.05, इफ यू डिवाइड यू विल गेट 0.1, करेक्ट, सो कॉमन रेशियो हमारा 0.1 है विच इज लेस देन 1, करेक्ट। अब आते हैं एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगी यहाँ पे, एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट, सो हम एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज ऑल ऑफ यू नो एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर वेर आर लेस देन 1, राइट, सो हियर ए इज 0.05 अपॉन 1 माइनस आर इज 0.1, सो फाइनली देखते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कितना हो गया डियर, 2.3 को आप 23/10 कर दीजिए प्लस आफ्टर डिवीजन दिस इज गोइंग टू बी 0.5/0.9 विच इज 5/90, ये आ गया कितना 5/90, करेक्ट। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करके देख लें, सो समवेयर इट इज 90, दिस इज 90 एंड 9 दिस इज गोइंग टू बी 207+5, सो दिस केम 212/90, और इसको फाइनली और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो यू विल गेट 106/45, करेक्ट। सो दिस रेकरिंग नंबर 2.35 बार इज रैशनल नंबर क्या आ गई 106/45, कैसे करना है समझ में आ गया, 2.3 को आपने कुछ नहीं करना है, 555 जो रेकरिंग हो रही है वहां से हमने एडिशन शुरू किया, तो 0.3 में हमने क्या ऐड करना है 0.05, तभी ये दो टर्म मिलेगा, ये दो टर्म, करेक्ट, फिर 0.005 ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस थ्री टर्म्स, ठीक है, एंड सो ऑन इट गोज, और जब हमने ऐसा स्प्लिट किया देन इट केम दैट दीज आर इन जी पी, और इसका फर्स्ट टर्म ए एन आर इज कॉमन रेशियो विच इज 0.1 लेस देन 1, देन वी हैव अप्लाइड एस इन्फिनिटी फॉर्मूला एंड देन फाइनली आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव 106/45, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सो आई एम टेकिंग वन मोर सम इन दिस, ठीक है, फोर्थ भी कर ही लेते हैं, लुक एट दिस द फोर्थ वन, टू का फोर्थ ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू एंड फोर्थ वन, हियर 51.02 बार है, ठीक है, 51.02 पे टू पे रेकरिंग है, फाइन, तो ये कैसा दिखेगा अगर रेकरिंग को ओपन करेंगे हम, लुक एट दिस, व्हेन यू ओपन द रेकरिंग 51.02222, करेक्ट, 22 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। अब आप इसको सम में ऐसे लिख लीजिए, 51 प्लस पहला हमने लिख दिया 0.02 प्लस 0.0102, देखिए आप ऐड करेंगे तो पहला दो टर्म मिलेगा इससे, फिर ये ऐड करोगे तो यू विल रीच अप टू हियर, एक और लिख दूं मैं 0.0002 एंड सो ऑन इट विल गो टिल इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे ये टर्म 22 मिलते चले जाएंगे व्हेन यू ऐड दिस, ठीक है। अब यहां से अपने को ये दिख रहा है कि ये हमारा जीपी में फ्लो हो रहा है, वेयर ए इज
0.02, r is 0.1, which is less than 1, ठीक है, ये 0.1 है, तो less than 1 हो गई, तो s infinity exist होगा, तो हम formula लगा देंगे, 51 plus a is 0.02, 1 minus r, which is 0.1. So, finally, इसको आप simplify कर लीजिए, 51 plus, ये आ गया, 2 upon 90, ठीक है, so after simplifying and all, take LCM and all, you will get 2296 by 45, इसको आप simplify कर लीजिए, you will reach up to here, and this is going to be the answer, ठीक है, so see the advantage of learning S infinity formula, कि आप recurring वाले number को rational में compute कर सकते हो, with the help of this formula, correct, where r less than 1, but series should be where, series कहां होने चाहिए, GP में होने चाहिए, then only we can use, fine, so these sums we have seen where recurring को हमने rational number में produce किया, ठीक है, एक बार पीछे आ जाएं वापस, which ever the sum we have done, first sum हमने first का fifth में check करना था, s infinity, ठीक है, a और r हमने confirm किया, r less than 1, तो s infinity exist होगी, s infinity की फिर value निकल आई, a upon 1 minus r, then there we started the next problem, express the following recurring decimals as a rational number, 0.7 बार लिया हमने, 7 बार, just आप go through कीजिए, I am slowly scrolling the bar. Now 2.35 are, ये आपके लिए homework है, 2.4 recurring, ये homework निकाल करेंगे आप, इसको यहां मैं circle कर देता हूं, answer भी लिख दिया है, this is your first homework, one, question number one, then we took 2.35 bar, then we got the answer 106 by 45, and third question I took 51.02 bar, correct, so we now understood till here कि S infinity की advantage हमने समझ ली, इस तरीके से हम S infinity के help से ऐसे recurring को आप rational में convert कर सकते हैं, ठीक है, now we will move to question number 3, question number 2 पे हमने ये 4 sum देखे, अब हम question number 3 पे move करते हैं, dear, question number 3, question it is given, if the common ratio of a GP is 2/3 and sum to infinity is 12. Find the first term. Find here. So I believe formula आपको पता है, तो ऐसे सम कर ही पाएंगे. Common ratio r क्या दी हुई है? This is 2/3. वो क्या है? Less than 1. Sum to infinity, which is S infinity, it is given 12. क्या चाहिए अपने को? A चाहिए. A we are looking. So, यहाँ पे S infinity exist होगी, since R is less than 1. Since R is less than 1, therefore, S infinity will exist. And the formula is A upon 1 minus R. ठीक है? Value डालिए. A we don't know. 1 minus R is 2/3.
और एस इन्फिनिटी की वैल्यू 12 दी हुई है. सो इन दिस स्टेप 12 इक्वल्स टू ए अपॉन 3 माइनस टू 1/3. इधर से ए कैलकुलेट कर लीजिए, 12 इंटू 1/3. सो ए केम 4. सो द फर्स्ट टर्म इज 4. वट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 4. 4 इज द आंसर. वेरी सिंपल. कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी इज 2/3. आर दी वी ए 2/3 एंड सम ऑफ सम टू इन्फिनिटी इज गिवन 12. एस इन्फिनिटी इज 12. R is 2/3, which is less than 1. Then what we have to find? The value of A. So, हमने formula use किया, that's it. और algebra use किया आपने. A upon 1 minus R, substitute the value of R, and S infinity is given 12. So, A we have 4. Question number 4, ये आपके लिए homework. या आप खुद से ट्राई करेंगे. इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दी हुई है, सम ऑफ इन्फिनिटी दी हुई है, कॉमन रेशियो चाहिए, करेक्ट. तो ये मैं होमवर्क नंबर 2 लिख दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ ऑफ योर टेक्स्ट बुक. डियर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5. The sum to an infinite GP is 5, and the sum of squares of these terms is 15. Find the GP. We have to find the GP. To get the GP, what is important things? A and R we require, correct? So हमारे पास केवल S infinity दी हुई है, which is 5. और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 15, ठीक है. तो हमें जीपी चाहिए, यानी ए और आर दोनों ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, करेक्ट. तो हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख दें यहाँ पे. सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5. दैट मीन्स अगर ए प्लस ए आर, अगर जीपी में है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, उसकी सम क्या दी हुई है, एस इन्फिनिटी इसको कह लीजिए, एंड दिस इज गिवन 5, ठीक है. वेयर क्वाइट नेचुरल आर क्या होना चाहिए, होगा लेस देन 1 ही होगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सम ऑफ इन्फिनिटी इज गिवन 5. देन सेकेंड पार्ट में कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स. दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी. इसकी सम दी हुई है, विच इज ऑल्सो एस इन्फिनिटी, ये दमी दी हुई है 15, करेक्ट. तब अपने को ए और आर चाहिए, ठीक है. जब ए और आर मिलेगी तभी हम जीपी लिख सकते हैं, ठीक है, इस दोनों इन्फॉर्मेशन से. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से फॉर्मूला है हमारे पास ए अपॉन 1 माइनस आर, ये क्या दी हुई है 5. इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे. नाउ इन सेकेंड सीरीज से जो भी जीपी में है, फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर 1 माइनस, इसका कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है डियर, आर स्क्वायर, और ये क्या है 15. इसको हमने इक्वेशन 2 कर लिया. अब इस दो इन्फॉर्मेशन से अपने को ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो क्या की जाए, आप इक्वेशन 1 से ए कैलकुलेट कर लीजिए. सो फ्रॉम 1 ए इज गोइंग टू बी 5 इंटू 1 माइनस आर. अब इस ए की वैल्यू को हम सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दें, करेक्ट, सेकेंड इक्वेशन में डाल दें. देयरफॉर फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन
2, you can see from equation 2, what will happen? 25 into 1 minus r whole square upon 1 minus r square को क्या लिख सकते हैं आप, 1 minus r into 1 plus r, a square minus b square में split कर दिया, इसको 1 minus r square, which is equal to 15. अब now it's algebra to get the value of r, ठीक है, तो ये 1 minus r से cancel word है, तो ये आ गया हमारे पास 25 1 minus r, और ये 1 plus r इधर cross multiply हो गया 15 into 1 plus r, ठीक है, यहां से हम r की value calculate कर लें, 25 minus r 15 r, इधर जाएगा 15 r, therefore 8 r equals to 2, so r equals to 1/4, ये मिल जाएगा यार, ठीक है, r equals to 1/4, when r is 1/4, so we can get a also from here. So a will be 5 into 1 minus 1/4, which is nothing but 15/4, 4 minus 1, 3/4. So this is 15/4. So a confirm, r confirm, a और r दोनों मिल गई, तो अब मैं gp लिख सकता हूँ, जो gp हमने a, a, r, a, r square लिया था. So therefore, gp will be, gp is, ए क्या है 15/4 ए, देन ए आर आएगा तो 15/16 हो जाएगी, वो 15/16, फिर ए आर स्क्वायर होगा 15/4 और ये स्क्वायर किया तो 15/64, ठीक है, सो ऑन इट विल गो 15 अपॉन ये आप कर लो 64 into 4 256, एंड सो ऑन दिस विल will get a GP, and that is the answer, correct? So once again go through all these steps, what we did, question dekh lijiye, sum of an infinite GP is 5 and the sum of the squares of these terms is 15, so a plus ar plus ar square ar cube up to infinity, inka sum 5 di bhi thi, phir unke squares ka, a ka square, ar ka square, ar square ka square, this is what, which is given 15. हमने इस equation इस यहाँ से निकाला formula a upon 1 minus r, which is 5. Second से क्या मिला अपने को, a square first term and common ratio r square, so a upon 1 minus r, a is a square, r is r square, so equation 1 and 2. So from 1 से हमने a की value निकाली, which is 5 into 1 minus r, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 में, यहाँ से अपने को r मिल गया, r निकालाया फिर इक्वेशन 1 में डाल दिया, वहाँ से अपने को a मिला which is 15/4, correct? And ar r confirm हो गया, then we can write gp, a into ar, ठीक है? This is a, ar, ar square, ठीक है? ऐसे so on. Find here. Now I am taking the next problem, which is question number 6. Look at this. Question number 6. In this, they have written in sigma notation. 6 ka first le rahe hain. Question is sigma r equals to 1 to infinity 4 into 0.5 to the power r, इसका हमें सम चाहिए, ठीक है, so all of you aware that sigma को आप कैसे use करते हैं, that is going to be sum, r equals to 1 पहले डालिए, 4 हमें पूरा constant दिख रहा है, या 4 into लिख भी सकते हैं, बाद में आप common निकाल लीजिए, 4 into 0.5, यह आया पहला, plus, due to this sigma, plus आएगा, इस सिग्मा के नोटेशन के कारण प्लस लिखते हैं आप, अब r इक्वल्स टू 2 डालिए, 4 इनटू 0.5 स्क्वायर प्लस r 3 डालेंगे, 4 इनटू 0.5 क्यूब एंड सो ऑन, ये इनफिनिटी तक जाएगी, आप देखिए 4 भी हर एक टर्म के साथ आएगा, हां बिकॉज़ दिस इज व्हाट टर्म टोटल, सो 4 इनटू 0.5 पे 1,
4 इंटू 0.5 पे 2, बिकॉज आर यहाँ पे है, 0.5 पे पावर पे है, एंड सो ऑन इट गोज टिल इन्फिनिटी. नाउ फ्रॉम हियर यू कैन टेक 4 कॉमन फ्रॉम ईच टर्म, तो 0.5 प्लस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 0.5 होल क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक ये फ्लो हुई. सो नाउ लुकिंग दिस, आपको ये इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, आप 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हो, तो सामने दिखेगा आपको, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 स्क्वायर, करेक्ट, दिस इज 1/2 होल क्यूब, कर सकते हैं, बिकॉज 0.5 इज व्हाट, 0.5 इज 1/2, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी. अब ये क्लियर दिख रहा है कि ये जीपी में आ गया है, वेयर ए हमारा ये जीपी में आ रहा है, ए इज 1/2, कॉमन रेशियो क्या आ रही है इसकी 1/2, वो क्या है लेस देन 1, देयरफॉर एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट, एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगी, जब एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगी तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. सो 4 इंटू एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस इन्फिनिटी ऑल ऑफ यू नो ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर आर लेस देन 1, करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला. सो ए हमारा 1/2 है, 1 माइनस आर इज 1/2, सो द आंसर केम 4. सो 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सम. ठीक है, यहाँ 4 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, वो कॉमन लेके पहले स्टेप में भी कर सकते हैं और सेकेंड स्टेप से भी आप 4 कॉमन ले सकते हैं. 4 कॉमन लिया, देन 0.5 को हमने क्या किया, 1/2 में प्रोड्यूस कर दिया, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब टिल इन्फिनिटी, एंड दैट केम इन जीपी. ए एंड आर कन्फर्म है, आर लेस देन 1, एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगी, एंड देन वी हैव यूज द फॉर्मूला एस इन्फिनिटी विच इज ए इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर, दिस वन. सो 4 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, दिस इज, दिस गेट कैंसल 1, 4 इंटू 1 इज 4. Fine. So now I'm taking the next problem in this only. Look at this. इसके अंदर जो second question है वो आपके लिए homework के लिए, question number 6 का second is going to be homework जो आपको करना है. तो हमारे homework इसमें question क्या है, समेशन आर इक्वल्स टू 1 to infinity, इसको हम समेशन पढ़ते हैं, ठीक है डियर, समेशन आर इक्वल्स टू 1 to infinity माइनस 1/3 टू द पावर आर, ये आप होमवर्क में लिख लीजिए. सो आई बिलीव क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया होमवर्क का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का ही 4 ले लेते हैं, फोर्थ वन. Look at this. Fourth is sigma r equal n likha hai inhone, n equals to 1 to infinity, and third le lete hain, fourth bhi aap khud se kar sakte hain. So look at this, kya kare hum, isko erase kar dete hain. Okay, yahan pe 6 ka third le liya jaye, थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, सो वी विल सॉल्व थर्ड वन. क्वेश्चन इज सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to infinity, ये आर की जगह एन भी डाल सकते हैं, तो यहां पावर में एन रहेगा, ठीक है, इसलिए आर और एन से डरना नहीं है. दिस इज माइनस 8 इंटू माइनस 1/2 टू द पावर आर, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए. फाइन, सो विल स्टार्ट, तो पहले सिग्मा को ओपन करें, आर की वैल्यू 1/2, 1, 2, 3 कंटिन्यूस डालने पे, तो हमने पहले माइनस 8 आर की वैल्यू 1 डाला, ये आ गई माइनस 1/2 पे पावर 1, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि ये सिग्मा है, ड्यू टू सिग्मा ऑलवेज गिव यू प्लस, देन माइनस 8 आर इज माइनस 1/2 टू दी पावर 2 प्लस माइनस 8
into minus 1 by 2 to the power 3 and so on till infinity. Okay? Now, from here, अब मैं minus 8 common ले लूँ. So, I am taking minus 8 common from each term. So, अपने पास क्या मिल जाएगा? Minus 1 by 2, ठीक है? Bracket में ही रखिए. Plus, minus 1 by 2 का square मिल रहा है. Plus, minus 1 by 2 whole cube. Plus, so on. ये हमें infinity तक ले जाएगा. Correct? अब, look at the series. ये जो सीरीज है यानी प्लस है तो सीरीज हो गया, सीक्वेंस है वो चीज इन जीपी, बट ये प्लस है या माइनस जो भी होता है, प्लस अगर सीक्वेंस को आप ऐड करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज. सो यहाँ पे ए क्या दी हुई है? माइनस वन बाई टू. कॉमन रेशियो क्या है? अगर सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करें तो व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉमन रेशियो? माइनस वन बाई टू ही आएगा. ठीक है, दिस इज माइनस वन बाई टू ओनली यू विल गेट, और जो क्या है लेस देन वन. सो एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगी. ठीक है, एस इन्फिनिटी होगी. सो विल राइट द फॉर्मूला. एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन वन माइनस आर, वेर आर लेस देन वन. करेक्ट. सो माइनस एट इन टू ए इज माइनस वन बाई टू, वन माइनस आर, वन माइनस आर. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस एट इन टू माइनस वन बाई टू, here it is 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. अब ये simplify हो कि कितना आ जाएगा? ये 2, 2 ऊपर गया, 2 cancel, minus 3 minus 8, 24. 24 होगा? Wait, this is 2 by 3. क्या आया? minus plus 3 by 2 it is, 1 plus 1 by 2, minus 1 by 2. Wait, minus 8. So, 3 by 2 we are getting in denominator na. So, ye 2 by 3 ho jayega ye. 2 by 3, 2, 2 get cancelled. Wait, so this will be, rukh jaiye, isko jara simplify kar lein. इसको बराबर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये बेसिक छोटी छोटी कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. माइनस माइनस प्लस, 8 into 1 by 2, ये हो गया डियर 2 by 3. So the answer will be 8 by 3. ठीक है, 8 by 3 is the answer. Correct? देख लें एक बार फिर से क्वेश्चन को. Minus 8 into minus 1 by 2 to the power r. R की वैल्यू 1 से डालना स्टार्ट कीजिए. See, we have kept it 1 here, then 2, then 3. Up to infinity. Due to this sigma sign, this sigma की जो sign है ये क्या देती है हमें से? हमें क्या बताता है कि each term के बीच में plus का sign होगा. Look at this, plus, plus, plus and so on. So now minus 8 I took common. मैंने minus 8 common लिया और ये minus 1 by 2, minus 1 by 2 whole square, ये GP में दिख रही है पूरी. ठीक है, आप बोलेंगे सर कैसे पता लगता है जीपी में? तो आपको पता ही है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कीजिए, थर्ड अपॉन सेकंड कीजिए, कॉमन रेशियो कांस्टेंट आ रहा है. देखो आप, ये माइनस वन बाई टू आ रहा है रेशियो हर एक टर्म सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड करने पे. तो जीपी में है. आर इसका माइनस वन बाई टू विच इज लेस देन वन. ए फर्स्ट टर्म है विच इज माइनस वन बाई टू. देन वी हैव यूज एस इन्फिनिटी फॉर्मूला. ए माइनस एट तो पहले से है डियर, ये माइनस एट, एंड हियर इट इज ए upon 1 minus r. r is minus 1 by 2. And after simplifying, you will have this is the answer. Correct? So, yes, sigma notation wali sums, aap jarur kar payenge. I am 100% sure. So, isme main jo question ye second homework diya tha, to 6th mein hi ek aur homework likh lijiye. The 4th one. फोर्थ भी आप करेंगे. सो वी हैव टोटल 4 सम्स नाउ फॉर होमवर्क. लुक एट दिस, 6 का 4th क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क हो गया. सो टोटल होमवर्क इज क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए. 4th क्वेश्चन, इसमें उन्होंने नोटेशन केवल चेंज किया है, उससे डरना नहीं है. यहाँ n इक्वल्स टू रखा है 1 टू इन्फिनिटी,
and this is 0.4 to the power n. जैसे वहां r था यहाँ n है डियर, सो वरी ढूंढने की जरूरत नहीं है. यू विल गेट द आंसर. मैं आंसर लिख देता हूँ, आप जरूर आंसर मैच कर पाएंगे. आंसर इज 2/3. टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दी हुई है, दिस इज द करेक्ट आंसर. आप जब कैलकुलेट करोगे यू विल रीच 2/3. सो दिस इज सम, दीज आर सम क्वेश्चंस वी डिड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला एस इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी, वेयर वी आर एबल टू गेट दीज टाइप ऑफ सम्स, वेयर सी दीज सम्स आर फ्लोइंग टिल इन्फिनिटी. आप देखो द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, दैट आप इन्फिनिटी इन्फाइनाइट टर्म्स के सम को आप कैलकुलेट कर ले रहे हो. ऑल्दो यू डोंट नो द इन्फिनिटी थिंग्स, ये कहाँ तक जा रही है, वी डोंट नो द एंड, बट दीज सीरीज आर इन जी पी एंड ऑल ऑफ यू केम टू नो जी पी हैज एस इन्फिनिटी बिकॉज वी नो द एंड. वाई? एटलीस्ट जीरो तो होता ही है एंड का, जो हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया कि था कि एस इन्फिनिटी ऑफ अ जी पी एग्जिस्ट. Correct. So, with this sum, I am going to stop the first lecture, first video. In next video, we'll do some more problems based on S infinity. Correct. So, meanwhile, go through कीजिए. Understood? Formulas को revise कीजिए.